इट्स माई सेल्फ रुबीना चौधरी एंड टुडे वी आर बैक विथ अनदर लेक्चर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. स्टूडेंट, इन आर प्रीवियस लेक्चर ऑफ इक्विलिब्रियम वी हैव फाउंड आउट यूनिट्स ऑफ केसी, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, केसी के रिलेशनशिप्स एंड ऑल दोज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Now student, when we know to calculate KC and QC, we are moving ahead on a principle which is known as a Lee-Cartlier's principle. Student, Lee-Cartlier's principle ne hame kuch terms mein explain kiya hai ki agar aap temperature badhaoge, pressure badhaoge, to what kind of changes you will observe in a chemical reaction. सिंस हम एक केमिस्ट की बात करते हैं, जब भी हम केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो हमारा जो इंटेंशन होता है, हमारा जो गोल होता है बेटा, वो गोल होता है कि हम मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑब्टेन करें. कोई भी जब कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है ना, तो रिएक्टेंट साइड पे चीज़ें कम देखना चाहता है और वो चाहता है कि मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो मुझे प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाए, मुझे प्रोडक्ट मिल जाए. राइट स्टूडेंट्स, आप भी अगर कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो आप केमिकल रिएक्शन इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है. तो जब आपको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तो उस टाइम पे आप यही चाहोगे कि आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट मिले. राइट स्टूडेंट्स, लेकिन हमने ये देखा कि एक बार जब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है, मतलब जब तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड एक जैसी हो जाती है, उसके बाद हमें पूरे केमिकल रिएक्शन में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है. अगर पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसीडर कर लेते हैं ए प्लस बी यहाँ पे और सी प्लस डी यहाँ पे, अगर 40 और 60 पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है तो अब आगे जाके ये हमेशा 40 और 60 पे ही रहेगा. बट व्हाट आई वांट, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा जो रिएक्टेंट है वो 40% हो. आई वॉन्ट कि और भी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए. तो अगर मैं अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट करना चाहती हूँ तो मैं अपने इक्विलिब्रियम को कैसे शिफ्ट कर सकती हूँ, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरे इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे इन टुडेज लेक्चर. तो बेटा, जब हमने इसके बारे में बात करी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन को कैसे शिफ्ट किया जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से टर्म्स में आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन शिफ्ट हो सकता है. बट बिफोर दैट वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ डे टू डे लाइफ, जहाँ से हम समझ सके कि हाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट किया जा सकता है. सपोज कर लो आप सो रहे हो एंड ऑल ऑफ सडन आपको पता चलता है कि कोई आपको मारने आ रहा है, तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट, आप अपने आप को कुछ इस तरह से एडजस्ट करोगे या कोई एक ऐसी पोजीशन ऑब्टेन करोगे जिससे आप बच सको, मैक्सिमम तरीके से क्या कर सको, बच सको. बिल्कुल उसी तरह से समझ लो आप दो सिबलिंग्स हो और आपने कोई गलती कर दी है और गलती करने की वजह से सारी की सारी डांट आपको पड़ रही है. तो ऐसे केस में आप क्या करना चाहते हो, अब आपको ये इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करना है. मतलब आपको अकेले डांट पड़ रही थी तो आपने क्या कर दिया, अपने पेरेंट्स का जो माइंड है वो डाइवर्ट कर दिया ये बोल के कि मैं अकेले नहीं था, योर सिबलिंग वॉज ऑल्सो अलॉन्ग विथ यू. तो अब जो डांट आपको अकेले पड़ रही थी आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको चेंज कर दिया. यही केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होता है. अगर केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब है अब रिएक्शन सो रहा है, फिर भी मैं बोल रही हूँ सो रहा है, तो याद रखो डायनामिक प्रोसेस है, काम कर रहा है, बस हमें नहीं दिख रहा. वो सो रहा था और आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया. बेटा, अगर आपने रिएक्टेंट साइड पे डिस्टर्ब किया है ना, तो वो अकेले उस चीज़ को बेयर नहीं करने वाला है. जैसे जब आपको सिर्फ अकेले डांट पड़ रही थी तो आपने नहीं सुना, आपने क्या कर दिया, अपने डांट को थोड़ा सा अपने सिबलिंग की तरफ शिफ्ट कर दिया. तो अब क्या हो गया, दोनों तरफ इक्वल डांट मिल रही है और उसकी वजह से आपके ऊपर इफ़ेक्ट कैसा आ गया, कम आ गया. बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें, जब कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑब्टेन हो जाती है, अगर मैंने कोई इफ़ेक्ट रिएक्टेंट की तरफ दिया तो रिएक्टेंट उसे अकेले बेयर नहीं करेगा. अपने ऊपर इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए वो चीज़ों को कहाँ पे भेज देगा,
प्रोडक्ट की तरफ भेज देगा। और यही हमें ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन करेगा कि किस तरह से मैं अपने पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकती हूँ और किस तरह से मैं वो चीज़ें मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकती हूँ, या मेरा जिस साइड भी रिएक्शन के इंटरेस्ट हो। समटाइम ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे हम रिएक्टेंट ज़्यादा ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से कंडीशंस है जिसके थ्रू मैं ये सारी चीज़ों को ऑब्टेन कर सकती हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ली कार्टलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है? ली कार्टलियर्स प्रिंसिपल बोलता है वही जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर कोई इक्विलिब्रियम पोजिशन पे है, अगर कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मतलब कोई सो रहा है और उस सोते हुए को आप बाहर से प्रेशर दे रहे हो या बाहर से उसके ऊपर किसी तरह का इफ़ेक्ट दे रहे हो, वो इफ़ेक्ट टेम्परेचर के भी टर्म्स में हो सकता है, वो इफ़ेक्ट प्रेशर के टर्म्स में भी हो सकता है, वो इफ़ेक्ट चेंज ऑफ वॉल्यूम के टर्म्स में भी हो सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों से आप क्या कर सकते हो केमिकल इक्विलिब्रियम में तुम्हारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड को आप इफ़ेक्ट दे सकते हो। तो जब आप ऐसा करोगे तो वो उस चीज़ को अकेले बैर नहीं करेगा, बट रिएक्टेंट से चीज़ें प्रोडक्ट की तरफ भेज देगा और उससे वो अपने ऊपर होने वाले इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ करेगा, मतलब वो दोनों इक्वली क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे ली कार्टलियर्स प्रिंसिपल का एक डेफिनेशन बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहले हम उस डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो बेटा, जो तुमको डेफिनेशन दिया हुआ है ली कार्टलियर्स प्रिंसिपल में, वो बोला है When a system at equilibrium is subjected to a change, कोई ऐसा एक सिस्टम था जो इक्विलिब्रियम पे था, मतलब वो पूरा रिएक्शन करके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया था। When a system is subjected to a equilibrium is subjected to a change, जब आप एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई चेंज लाते हो बाय एनी फैक्टर, किसी भी फैक्टर के थ्रू, तो क्या होगा, द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ सिस्टम, वो जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम कंडीशन था, ये पॉइंट याद रखो, सिस्टम विल रिस्पॉन्ड इन सच अ वे एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ अ चेंज। सिस्टम कुछ इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा कि उसके ऊपर होने वाले इफेक्ट को वो कम से कम कर सके। मतलब अगर आपको किसी से, आप सो रहे हो और आपको ऑल ऑफ सडन कोई मारने आता है, तो यू विल ट्राई टू एक्वायर दैट पोजीशन जिससे आपको कम से कम चोट लग सके, राइट स्टूडेंट्स। तो इक्विलिब्रियम में भी यही होता है, वो मिनिमाइज कर लेगा अपने इफेक्ट को। इसको हम और सिंपल टर्म्स में अगर समझे तो व्हाट इट टेल्स यू स्टूडेंट, कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और उस केमिकल रिएक्शन में एक बार इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑब्टेन हो चुका है और उस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑब्टेन होने के बाद अब अगर आप उसको चेंज कर रहे हो बाय गिविंग एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, तो वो अकेले उस चीज़ को बेयर नहीं करेगा। मतलब आपने रिएक्टेंट साइड पे दिया है तो वो प्रोडक्ट पे भेजेगा, और आपने प्रोडक्ट साइड पे दिया है तो वो उसको रिएक्टेंट की तरफ भेजेगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल इफ़ेक्ट की बात जो ली कार्टलियर्स प्रिंसिपल में हो रही है, वो एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं, विच इफ़ेक्ट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ अ इक्विलिब्रियम, दैट वी आर गोइंग टू सी स्टूडेंट्स राइट नाउ। तो ये तुम्हारा ली कार्टलियर्स प्रिंसिपल हो गया। ली कार्टलियर्स प्रिंसिपल में हम देखने वाले हैं फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर जो है वो है इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगर मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है सच एज N2+3H2 और ये मुझे दे रहा है प्रोडक्ट 2NH3, ओके बेटा, तो आई नो कि दिस इज N2+3H2 जो है बच्चा वो मेरा रिएक्टेंट साइड है और वहाँ पे दूसरी तरफ ये मेरा जो है वो प्रोडक्ट साइड है। दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर मैं एक बार देखूँ इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन हो चुकी है, मतलब यहाँ पे ये दोनों में इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑब्टेन हो गया, दैट इंडिकेट्स अब ना चीज़ें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ इंक्रीज होने वाली है और ना ही चीज़ें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ इंक्रीज होने वाली है। बट स्टूडेंट, आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो वी विल टेक अ
नॉर्मल एग्जाम्पल हम ये मान लेते हैं कि मेरे पास 60% रिएक्टेंट है और 40% प्रोडक्ट है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम. एट टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम 60% रिएक्टेंट और 40% प्रोडक्ट है. अब मैं क्या करना चाहती हूँ बेटा, मुझे क्योंकि एज अ केमिस्ट मेरा इंटरेस्ट प्रोडक्ट साइड पे होता है रादर देन रिएक्टेंट साइड. तो व्हाट आई विल डू बेटा टू शिफ्ट दिस पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मैं अगर बाहर से और नाइट्रोजन ऐड कर देती हूँ, अगर मैं बाहर से और नाइट्रोजन ऐड कर देती हूँ तो क्या होगा? अगर तुम बाहर से नाइट्रोजन ऐड कर रहे हो तो तुम्हारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, राइट स्टूडेंट्स? और रिएक्ट करके ये दोनों को लेके वो और ज़्यादा प्रोडक्ट बना देगा. मतलब अगर तुमने रिएक्शन साइड पे नाइट्रोजन को इंक्रीज कर दिया तो वो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को क्या किया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया. प्रेशर के किसके ऊपर इफेक्ट आ रहा था? रिएक्टेंट के ऊपर. तो उसने प्रोडक्ट बना के अमोनिया भेज दिया किसके साइड पे? प्रोडक्ट साइड पे. और अपने ऊपर के इफेक्ट को क्या कर रहा है? वो मिनिमाइज कर रहा है. तो अगर आप ये चाहते हो कि आपको और प्रोडक्ट मिले, देन यू हैव टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट. आपको अपने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करना होगा. तो अभी हमने सिर्फ नाइट्रोजन इंक्रीज किया. व्हाट वी कैन डू स्टूडेंट, हम डाइहाइड्रोजन को भी इंक्रीज कर सकते हैं. अगर हमने डाइहाइड्रोजन को इंक्रीज किया तो आपका जो वो डाइहाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और वो बना लेगा अमोनिया, राइट स्टूडेंट्स? और अमोनिया बना के यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे भेज देगा. इससे क्या होगा स्टूडेंट, व्हाट यू विल फाइंड आउट, यूर रिएक्टेंट इज मिनिमाइजिंग. और अब जो पहले 40-60 का रेशो था, अब वो 40 यहाँ पे आ जाएगा और 60 यहाँ पे आ जाएगा. अब ऐसा ही होगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट जब हम चेंजेस करेंगे रिएक्टेंट साइड पे कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा भी बढ़ाएंगे ना, तो वो जो उसके ऊपर चीज़ें बढ़ी हुई है उसको बैलेंस करने के लिए वो प्रोडक्ट बना देगा. और इनडायरेक्टली आप जो चाहते थे, आप चाहते थे कि आपका प्रोडक्ट क्या हो जाए, बढ़ जाए, और उसी की वजह से आपने ये किया था, तो आपका प्रोडक्ट का नंबर जो है बेटा वो इंक्रीज हो जाएगा. इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखें कि सपोज कर लो मैं कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन कर रही हूँ जिस केमिकल रिएक्शन में मैं अपने प्रोडक्ट का नंबर ज़्यादा चाहती हूँ, सॉरी मैं अपना रिएक्टेंट ज़्यादा चाहती हूँ. तो अगर मैं रिएक्टेंट ज़्यादा चाहती हूँ तो इन दैट केस मैं अमोनिया के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूँगी. अगर मैंने अमोनिया के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो मेरा अमोनिया मुझे क्या दे देगा, रिएक्टेंट दे देगा. और इससे मेरे इस साइड से चीज़ें शिफ्ट होंगी कहाँ पे, प्रोडक्ट साइड पे. देखो बेटा, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, अगर तुम्हारे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ है, देन रिएक्शन विल टेक प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा. मतलब ये बोल रहा है अगर तुम रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हो तो प्रोडक्ट बनेगा. फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब यही होता है ना, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. तुमको एट द एंड यही पॉइंट याद रखना है, पहला पॉइंट. और दूसरा पॉइंट ये है बेटा, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज, अगर आप प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो तुम्हारा जो रिएक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा. दैट मीन्स इट इज गोइंग टू टेक प्लेस फ्रॉम प्रोडक्ट टूवर्ड्स द रिएक्टेंट. ये प्रोडक्ट से किसकी तरफ जाएगा बेटा, रिएक्टेंट की तरफ जाएगा. स्टूडेंट्स ये दोनों पॉइंट आप नोट डाउन कर लो. पॉइंट कुछ इस तरह से है, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, और अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा. यही इफेक्ट होता है आपके कॉन्सेंट्रेशन का
और आपको इसी पॉइंट को ध्यान रखना है स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लो, देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट होगा बेटा, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर मैंने किसी भी एक स्टेबल केमिकल इक्विलिब्रियम ऑब्टेंड हुए केमिकल रिएक्शन के ऊपर अपना प्रेशर इंक्रीज कर दिया, स्टूडेंट्स अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करती हूँ तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा बेटा अगर मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया। तो देखो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन तुम्हारे पास एक इक्वेशन है PV is equal to nRT, that means pressure is equals to n by V RT. Or you can directly relate pressure is directly proportional to number of moles. अगर तुम प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो जाएगा। तो देखो बेटा तुम्हारे पास डाई नाइट्रोजन था और उसके साथ साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन थे, ओके और ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑब्टेन कर चुके थे और यहाँ पे तुम्हारे पास अमोनिया आ गया। अब तुमने अगर अपने रिएक्टेंट साइड पे स्टूडेंट्स मतलब अगर तुमने यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज किया, रिएक्टेंट में अगर तुम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट ना बच्चा, तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्योंकि तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट क्या करेगा अब चीज़ों को वो कहाँ पे भेज देगा, अब वो चीज़ों को भेज देगा फ्रॉम रिएक्टेंट टूवर्ड्स दी साइड ऑफ अ प्रोडक्ट। दिस इज व्हाट वी कैन सी स्टूडेंट्स कि अगर मैंने रिएक्टेंट साइड पे प्रेशर को बढ़ा दिया है तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ जाएगा और इन दोनों का इफेक्ट को कम करने के लिए, अपने ऊपर चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए तुम्हारा रिएक्टेंट जो है चीज़ों को भेजेगा टूवर्ड्स दी प्रोडक्ट साइड, एंड दिस इज व्हाट वी कैन सी स्टूडेंट्स, राइट। ये हमने देख लिया। अब इसका अपोजिट अगर मैंने प्रोडक्ट साइड पे यही चीज़ करी है, इफ़ आई एम डूइंग अ सेम थिंग ऑन दी प्रोडक्ट साइड, अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएगा रिएक्टेंट का, तो रिएक्शन विल बी अ फॉरवर्ड रिएक्शन, बस इतना याद रखो। अब अगर मैंने प्रेशर रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड पे इंक्रीज किया तो नंबर ऑफ मोल्स भी रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पे इंक्रीज होगा और उसको मिनिमाइज करने के लिए ये क्या कर देगा, रिएक्टेंट की तरफ भेज देगा। तुम अगर बढ़ा रहे हो तो वो कम कर रहा है, बिल्कुल तुम्हारा अपोजिट वाला काम जो है वो तुम्हारा रिएक्शन कर रहा है। तो अगर तुमने प्रोडक्ट साइड पे बढ़ाया तो वो भेज देगा रिएक्टेंट साइड पे, मतलब अपनी तरफ कम कर रहा है, उसको उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए तो वो प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए दोबारा से रिएक्टेंट साइड पे भेज रहा है। तुम अगर रिएक्टेंट साइड पे बढ़ा रहे हो तो उसको मिनिमाइज करने के लिए वो कहाँ पे भेज रहा है, प्रोडक्ट साइड पे। अगर प्रेशर इफ प्रेशर इंक्रीजेज ऑन रिएक्टेंट साइड, इफ प्रेशर इंक्रीजेज ऑन रिएक्टेंट साइड तुम्हारा रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इट विल टेक प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और यहीं पे इफ प्रेशर इंक्रीजेज ऑन प्रोडक्ट साइड, अगर प्रोडक्ट साइड पे इंक्रीज हो रहा है तो तुम्हारा रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड साइड में प्रोसीड करेगा। स्टूडेंट तुमको सिर्फ ये दो पॉइंट याद रखनी है, अदरवाइज यू कैन फ्रेम एवरीथिंग ऑन योर ओन वर्ड। अगर तुम इस तरह से चेंजेस करते हो तो यू विल सी कि अगर तुमने रिएक्टेंट की तरफ प्रेशर बढ़ाया इट विल प्रोसीड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर तुमने प्रोडक्ट साइड में बढ़ाया तो इट विल प्रोसीड इन अ बैकवर्ड रिएक्शन। स्टूडेंट्स आप ये दो पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, जहाँ पे हमने लिखा है कि रिएक्टेंट साइड पे बढ़ाएंगे तो क्या चेंजेस आएगा एंड प्रोडक्ट साइड पे बढ़ाएंगे तो क्या चेंजेस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट हो गया प्रेशर का भी कंप्लीट। आफ्टर प्रेशर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेम्परेचर। अगर हमारे पास टेम्परेचर का चेंज है तो व्हाट विल हैपन दैट वी आर गोइंग टू सी राइट नाउ। Temperature,
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. व्हाट इज़ अ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बेटा? इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर को पढ़ने के लिए आप डायरेक्टली ऑल ऑफ वंस नहीं बोल सकते हो कि टेम्परेचर का ये इफेक्ट होगा. टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर योर रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन और इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बाय नोइंग दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली यू विल अंडरस्टैंड इफेक्ट का क्या, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा. अगर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, तो हम बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की. एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके बेटा, अगर मेरे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो दो केसेस पॉसिबल है. अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूँगी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो मेरा जो रिएक्शन होगा बच्चा, वो मेरा रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होगा. इट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस एज अ फॉरवर्ड रिएक्शन. अगर मैंने एंडोथर्मिक रिएक्शन में अपना रिएक्शन को क्या किया है, अपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, कहाँ पे? रिएक्टेंट साइड पे. किस साइड पे बच्चा? रिएक्टेंट साइड पे. तो मेरा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा. वहीं पे अगर मैं अपने एंडोथर्मिक रिएक्शन में ही टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती हूँ बच्चा, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती हूँ, तो मेरा ये रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा. इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रिवर्स रिएक्शन. ये पहला केस है व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको ये दो केसेस देखने को मिलेंगे बेटा. पहला केस है किसी भी फॉरवर्ड रिएक्शन में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा. इसके बाद आता है आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में स्टूडेंट्स, अगर तुमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, इफ यू आर इंक्रीजिंग अ टेम्परेचर, योर रिएक्शन विल रिवर्स, रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, मतलब एंडोथर्मिक का अपोजिट. और अगर यहाँ पे तुम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो, तो आपका जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड रिएक्शन. कम्प्लीटली अपोजिट केस है. जो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हुआ था, उसका अपोजिट आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में देखने को मिलेगा. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लास्ट इफेक्ट. एंड माई लास्ट इफेक्ट इज गोइंग टू बी अ इफेक्ट ऑफ अ कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट का इफेक्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आप ये पॉइंट्स चारों नोट डाउन कर लो कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाया, देन चेंजेस आर गोइंग टू बी डिफरेंट, राइट? अब बच्चा कैटलिस्ट की बात कर लेते हैं. यू नो कैटलिस्ट का काम क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट को ऐड कर देते हैं, तो कैटलिस्ट हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, ये हमने पढ़ा है. लेकिन क्या वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज कर सकता है? तो स्टूडेंट्स, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ इक्विलिब्रियम बाय एडिशन ऑफ अ कैटलिस्ट. इवन दो अगर आप कैटलिस्ट ऐड भी कर देते हो किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वो क्या करेगा? वो रिएक्शन जो पहले 10 मिनट में हो रहा था, उसको वो 15 सेकेंड में करवा तो देगा, बट जो 40-60 पे अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन होने वाली थी, तो वो अब भी 40-60 पे ही मेंटेन होगी. वो इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होने वाली नहीं है. तो ये इफेक्ट होता है आपके कैटलिस्ट का. कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे. दिस इज व्हाट वी हैव सीन स्टूडेंट्स सो फार. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ली कार्टलियर्स प्रिंसिपल का चारों इफेक्ट कंप्लीट हो जाता है. कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट साइड पे बढ़ाया तो फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट साइड पे बढ़ाया बैकवर्ड रिएक्शन. प्रेशर अगर तुम नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट साइड पे बढ़े, तो वो
रिएक्टेंट साइड पे शिफ्ट करेगा, रिएक्टेंट साइड पे बढ़ रहे तो वो प्रोडक्ट साइड पे शिफ्ट करेगा। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा वो ये फैक्टर डिटरमाइन करेगा कि आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ली कार्टलियर्स प्रिंसिपल पढ़ लिया, और ली कार्टलियर्स प्रिंसिपल पढ़ के हमने उसके चारों इफेक्ट्स को भी कंप्लीट कर लिया। आपके केमिकल इक्विलिब्रियम का ऑलमोस्ट 99% पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा पार्ट बाकी है इस चैप्टर में, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो आपको 12th स्टैंडर्ड में भी है, तो वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई लेक्चर।